सभी साथियों को भाई जितने जो साथी जुड़ गए हैं, हाल फिलहाल हम हरस छिकारा पेज से लाइव हैं और आप सभी साथियों को जितने जो भी मेरे प्यारे साथी हैं, आप सभी के चरणों में हरस छिकारा की तरफ से हाथ जोड़कर पहले तो राम राम। एक बारी आप सभी साथियों से विनती है, गुजारिश है, 4 दिन से नहीं सो रहा था, 4 दिन तक किसी चीजा के सबूता के पीछे लाग रहा था, क्योंकि जो फर्जी धर्म के ठेकेदार बने फिरते हैं, जब ती मैं जिंदा हूं मैं उन्हें नहीं जीने दूंगा भाई। ये जो चोला ओढ़ रहे थे ना धर्म का, आज देखो इनकी कैसे ऐसी तैसी करता हूं सबूतों के साथ, बाई नेम, अरे का नाम, काम, रिकॉर्डिंग, फोटो, हर चीज आप लोगों के सामने दिखाऊंगा। और मुझे एक बात का और भी पता है, जैसे मेरी ये लाइव खत्म होगी, लाइव खत्म होते ही मेरे पे 99% मुकदमा दर्ज होगा, पर मुझे कोई चिंता नहीं, जेलों के अंदर मर्द ही जाते हैं, औरतें नहीं, 1% भी चिंता नहीं। आज इन धर्म के ठेकेदारों को जो नगन अवस्था में मैं करूंगा, एक बारी आप सब ते सिर्फ इतनी ही बात कहता हूं, सारे जुड़ो जल्दी से और इस वीडियो को मैं बोलना शुरू करता हूं, आप लोग शेयर करना शुरू करो, नीचे शेयर का बटन होगा उसको दबाओ, दबाते ही आपके सोड़े हाथ में दिखाई देगा शेयर टू ग्रुप, 6000 भाई जुड़ चुके हो, सभी ग्रुपों में शेयर करना शुरू करो। मैं खोलता हूं अब इनकी पोल पट्टी। पोल पट्टी खोलने से पहले तो आज बहुत बड़े गो सेवक भगत फूल सिंह महाराज जी, उनको श्रद्धांजलि, जो आज ही के दिन हमारे बीच नहीं रहे थे, बहुत बड़ा गौ सेवक था भगत फूल सिंह मलिक, जिनका गांव मारा था। उसके बाद दूसरा धन्यवाद करना चाहूंगा मैं मेरी बहन ममता सिंह आई जी रोहतक, जो एक इतनी अच्छी अधिकारी, जिन्होंने नू मेवात मंदिर के अंदर जाके सबसे पहले उन दंगों पर काबू पाया था। अब आती है भाई थारे ठेकेदार की बारी, जिसका नाम है मोनू माने सर, सब कुछ नाम के साथ बोलगा बताऊंगा, मुकदमा कराना है आज कराओ, ईब कराओ, ऑनलाइन कराओ, कोई काली नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मोनू माने सर की जन्म कुंडली सबसे पहले तो आप लोगों को बता देता हूं, शुरू करते हैं। मोनू माने सर पॉलिटेक्निक में पढ़ा करता, 2013-14 में आया था समाज सेवा में, यो लड़का किस चीज में, इसने बनना था गोरक्षक, लेकिन बेचारे ने यो बन गया गोभक्षक। 15,000 गां ते रिकॉर्ड में बेच रहा है, 15,000 गां कटवा रहा है, कमीन गद्दार आदमी, हिंदू धर्म के फर्जी ठेकेदार, तेरे पेलूरिया की और तेरी सारी पोल पट्टी। अभी पहले न्यू बता दू तू था के, ताकि लोगों ने तेरा पता लग जा। 2014 में इसकी पोस्ट देख लेना, एक पल्सर पाओगी काली और लीली 220 सीसी की, जिसकी मोटरसाइकिल के आगे लिख रह गया था यमराज, वह चोरी की तो मोटरसाइकिल रखा करता यो। उस चोरी की मोटरसाइकिल पर इसने अपनी स्ट्रगल शुरू करी, IMT है बहुत बड़ी मानेसर के अंदर, वहां से जो गरीब आदमी तनख्वाह लेकर आ गया, रात में उनकी तनख्वाह खोसिया करता, और जब कोई मतलब कि को हादसा को एक्सीडेंट हो जाता, रोड पर पी कपड़ा होता, उसका फोन खोस लेता, उसके रपिये काट लेता, इस चोर की पहले आदत थी ये आदत। फिर इसने सोची इसमें घर तना चल रहा, बड़ा चोर बनना पड़ेगा, फिर यो बड़ा चोर बनया, बड़ा चोर बनकर यो बन गया, बोला मैं करूंगा गोरक्षा, गोरक्षक बन गया यो। सबसे पहले तो आप लोगों का बहम दूर कर दूं, यो गोरक्षा दल का सदस्य नहीं है, गोरक्षा दल का सदस्य नहीं है, यो सदस्य हाल फिलहाल जो है बजरंग दल का है। गोरक्षा दल ने क्यों निकाल लिया, के बात हुई, पहले तो छोटे सबूत दिखा दू तारते,
न्यू मानोगे छकारा हूं भूखा टाइम पास कर रहा। गोरक्षा दल का ये सदस्य नहीं है, बजरंग दल का सदस्य बन गया। और बजरंग दल वो दल है जो बहन बेटियों की इज्जत करता है। बहन बेटियों की इज्जत कैसे है? 14 फरवरी वैलेंटाइन डे आओगा जब दिखा रहा बजरंग दल, लोगा का लठ मारते आशिका का जारा का, इसका कौन लठ मारेगा भाई? यो थारा भाई, यो प्रेमी भाई, ये है मोनू माने सर जी। और मैं माफी चाहूंगा, लड़कियों की सब की डिटेल, बेचारी का फोटो नहीं दिखाऊंगा, इसका अपना पर्सनल जीवन है, मतलब इसका फेस ब्लर कर रखा। ए मेरे भाई ने पहले तो ये रंग रलिया मनानी शुरू करी है। ए ऐ भाई साहब, हर रोज अलग लड़की, अच्छे दारू, अच्छे शौक। अब आते काम की बातों पे, चलो ये तो इसका पर्सनल जीवन, हमें क्या लेना देना, ये दारू पीवे या मूथ पीवे, लड़कियां ते मिल ले या लड़कियां ते मिल ले, वो इसका अपना शौक है। इन चीजों को छोड़ दो, इन चीजों से दूर रहो, काम की बात पे आते हैं। भाई साहब ने समाज सेवा करी गोरक्षा की, चोरी करता था क्या? शुरुआत एक ही जगह से करते हैं। पहले इन्होंने, इसकी जो गोरक्षा की टीम है, इन्हें एक गाड़ी पकड़ी थी। सीधी काम की बात पाते हैं पहले। ए अभी बताता हूं आप लोगों को, इसने इसके काले चिट्ठे भी जीतने हैं। एक सेकंड, हाँ, इसका एक बहुत ही अच्छा साथी है, नवनीत दैया नांगड़ चौधरी। नवनीत दैया ने गाड़ी पकड़ी, जो गोरक्षा दल हरियाणा के सदस्य थी। एक एक बात को गौर से सुनना भाई, मेरे पे कीचड़ उछाल दो हो, अरे शिकारा ने उसके बारे में बोल दिया उसके में। वो गाड़ी पकड़ते हैं वहां, और गाड़ी पकड़ने के बाद बाऊजी की कॉल आ जाती, मोनू बाऊजी की, मोनू माने सर की। मोनू कहता तुम एक काम करो, थाने में गाड़ी दे दो, मेरी बात होगी है, और मुकदमा दर्ज करा दिया है मैंने। इसके जो टीम के मेंबर थे गोरक्षा दल के, वे थाने में पकड़ा के बेचारे चले गए। उनकी मेहनत अच्छी थी, अच्छा काम कराया। लेकिन बाऊजी ने उसके बाद क्या कराया, थाने में से जिसकी गाड़ी पकड़ी उनकी गाड़ी 1,20,000 रुपये नगद लेकर वह गौवा की गाड़ी छटवा दी। 1,20,000 रुपये लेकर वह नगद गाड़ी छटवा के, वे जितनी गां थी, गौ माता जी इनको बोलता है, वे मेवात में कटने के लिए भेज दी। और वे जब मेवात में कटने के लिए भेजी, अगले दिन उसी टीम ने वही गाड़ी ताउडू में पकड़ ली। वो टीम बोली रहा कल तमूरख तेरे तब मुकदमा दिया था, तू आज फिर यह गाड़ी लेकर खड़े था गया। उसने बताया भाई साहब मोनू भाई से बात करो, मोनू भाई से गोरक्षा दल बात करता है। सारा भांडा फूट गया उस दिन। जब वो भांडा फूटा, गोरक्षा दल ने तुरंत इस मोनू मानेसर को बाहर भगा का मारा। अख फरोड़ आदमी, तू गां बेचता है, तू गायों की तस्करी खाता है, आप इन बातों को मानोगे नहीं। इसने अपने मुंह से, इसकी टीम ने, इसके भाई ने 70,000 रुपये कबूल करे। एक भाई 1,20,000 नहीं, हमने 70,000 लिए थे। उन 70,000 लेने वाले में कौन कौन थे, फोटो भी दिखा देता हूं। ये है मोनू मानेसर, ये बैठे हो नवनीत दैया, ये बैठे है बोलू डाणा। ये जो बोलू डाणा भैया है ना, इसका पूरा नाम है विनू धनखड़, धनखड़ साहब। अब आते हैं इनकी रिकॉर्डिंग पे, क्या बतलाते हैं ये मोनू डाणा, देखना कैसी धमकी देता है। ए सुनो, गौर से सुन लेना, गौर से। 55,000 रुपए में गाड़ी छूटी थी भैया, जिसमें 21,000 उपचार साला को दिया, 11,000 रेवाड़ी टीम के उसको दिया, और 11,000 रुपए मोनू को दिया। 53, दोबारा से सुनो, यो कह रहा 53,000 में गाड़ी छूटी थी, 11,000 रुपए मोनू मानेसर को दिए, 21,000 रुपये पर्ची कटवाई। पर्ची भी कटवा दें गौशाला में, ऐसी बात नहीं, जो इनकी जानकार की है खुद की अपनी। आगे सुनो, शेयर करते रहे ना, 15,000 आदमी आप जो तमाशा देख रहे हो, आज इनको नंगे कर दूंगा, गारंटी देता हूं, यह देश के कोने कोने तक जानी चाहिए इनकी हकीकत। आगे सुनना, धमकी भी कैसी देंगे, गां कटवाने वाले हम, ये इसका इसका ड्राइवर साहब है ये। सुनो पहले, सुनो ध्यान से, नु कह गां बेच दी, बेच दी, गां का खाया हमने खाया। गौर से सुनना, थारे पैसे उसमें लाग रहे ना, तो किसी का ना लाग रहा था, गाय को हमने खाया, मार भाग लिख लेगी,
सफाई दे रहे हो तो किसको दे रहे हो सफाई? कोई मारे ऊपर मंत्री कोई लग रहे हो ना, क्यों लग रहे हो भाई? हम क्यों जाना सफाई? जब कह ही रहे देख लिया तो देख दी भाई, ठीक है। और भाई किसी की मैं करो तो कर लियो, देख दी भाई। रोला माच रहा है गाया के रुपये खाने के ऊपर। और ये अपना बराता श्री है बोलू डाणा विनू धनखड़ साहब जाटा का छोरा। और ये अपने धर्म पे आ जाओ मुन्नू मानेसर यादव साहब, पीछे बैठा है दैया साहब। क्या कह रहे हैं? बेच दी मारा कून बाल पाड़ लेगा, गां का खाया हम न खाया, कोई नेता मंत्री लाग रहा हमारे पे जो हिसाब ले लेगा। अब सुनो एक एक बात, बोलू डाणा के घर जाना, इनकी हरकतें, गाड़ी पकड़ी ली इन्होंने गो तस्करों की, अपने घर लिया के उस गाड़ी को काट के पिकअप को, उसका तो मेरा भाई घरा जनरेटर बना रहा है यूज करने दी। मोनू मानेसर के अकाउंट में 85 लाख रुपया हाल में करंट नगद है, घर अलमारी में भी बता दू कह दे रहे हैं भाई। ओ ठठेरे, ये जो तू गां खा रहा तेरी 280 रिकॉर्डिंग है, 280 सुनो इनके काले कारनामे सारे एक बार सुना दूंगा, तो आप पूरी वीडियो देखो नहीं गे, शेयर करते रहो, ये आप सबसे विनती है। इनका एक बहुत ही प्यारा साथी है, उस साथी का जो नाम है वो बताता हूं मैं आप लोगों को। ए कहां गया? एक सेकंड रुक जाओ, सब कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, इसकी इंक्वायरी ये इतनी है, नशा इतना ठा रहा है वो। बाबू जी पहले दारू का कैंटर चला रहा था गुजरात में, इसके ड्राइवर ने पकड़ के केस भी लगा दिया था। वे इसके पर्सनल मैटर है, कोई बात ना, चलाता होगा, हमने उस चीज़ तक कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले तो भाई गोरक्षा दल वाले जो मेरे दबोरा मान रहे थे, गोरक्षा दल हरियाणा, आज जोड़ का माफी चाहता हूँ, मैंने आपके बारे में कुछ नहीं कहा, मैंने सभी गोरक्षकों को नहीं कहा, वीडियो सुन लो, गौर से वीडियो सुनना पिछली। अच्छा गोरक्षा दल वाले, एक जरूर कहूंगा भाई थारे ते, मैं थारी कदर करूँ, तुम दिन रात मेहनत करो, मन बेरा भी है, गणी गणी मेहनत करो हो, अपनी जान पे खेल लो हो, लेकिन भाई एक कमी थारे में भी हो, वह सुधार लोगे ठीक रहेगा। वह सुनो, आप लोगों ने इनके बीच में एक आचार्य जी और जो इनके बीच में गोरक्षा दल का सदस्य है वो, उससे मुझे भाई पूरी की पूरी एलर्जी है। वो क्यों है? गाय खाने वालों के साथ रहता है। आचार्य जी का नाम है आजाद आर्य, सफेद कपड़े पहरे है, हिंदू का चोला ठावे है, खुद के स्कूल है, कॉलेज है, मोनू का साथ किस मारे दे है वो भी बता देता हूं। उसने भाजपा से टिकट चाहिए, मोनू उसका चेला है, मोनू माने सर। और आजाद आर्य जी आपको बता देता हूं, जाति से मूड़ा जाट है, मूड़े शायद मुसलमान होते होंगे, मुस्लिम जाट होते होंगे, आजाद आर्य जी मूड़ा जाट है। के करा भाई, वो हिंदू धर्म का ठेकेदार बन रहा है और वो मोनू मानेसर को अपना चेला बना रहा है, और आजाद जी बार बार आदमी इकट्ठे कर रहे हैं इस खातिर। एक आप लोगों ने एक ट्रेंड चलाया था करस छिकारा, गाय खाने वालों का साथ देता है, मेरे तन्यो बता दो, गाय खाने वाला कौन है, गाय बेचने वाला कौन है, गाय बचाने वाला कौन है, बोल के बताओ। अब मैं जवाब मांगता हूं हर चीज का, मैं फुकरी पंती में नहीं, वो क्या करूं, ईप्त कदे न्यू मानते हो थारा यो नेता मानेसर साहब बार बार हाथ जोड़न लाग रहा फोन पर, फोन कर यो इसका नंबर है, यो रहा ये इसकी कॉल है, 12 अगस्त बार बार कॉल कर रहा था, मैंने इस तन्यो कही थी पहला करूंगा तना नंगा और बाद में करूंगा तरता बात, और जो तेरे बस का हो वो मेरा उखाड़ लेना, जो घटिया आदमी तने ये हिंदू मुसलमान करके लोग आपस में लड़वा दिए मरवा दिए, तेरे कहीं शर्म है? अब सुनो इसकी पोल पट्टी, एक भी बात नहीं हो नाट जा, एक भी आदमी नहीं हो नाट जा, हर चीज का जवाब दूंगा तेरे को, फर्जी मैं बनाऊंगा तन नेता, तन नेता तपने का बढ़ने का बहुत शौक है ना। अब सुनो भाई, इसका पार्टनर है, था, अब बेरा नहीं बनाएगा ना बनती, डोली और राकेश पटो दिए दो साथी थे, दो पार्टनर थे जिनका काम था भैंस काटड़िया का,
उन पर भी वो मंथली लिया करता, उनके मैस काटड़े रखवाया करता। डोली और राकेश के बीच में रोड़ा हो गया आपस में, यो पंचायती बन का गया, यो थारा माने सर पंचायती बन का उनके बीच में गया, उनके बीच में एक छोटे बालक का मुस्लिम को गोली लगी, लड़ाई के बीच में जा रहा है इन हवाई फायर कर दिया, छोटे बच्चे का गोली लगी जो देखने लग रहा था, हिंदू मुसलमान का झगड़ा बता गए, उड़े भी लोग आपस में लड़वा दिए। और उनके बीच में इसका एक साथी था जिसकी देह तोड़ दी उड़े के आदमिया ने, वो बेचारा दिल्ली एडमिट रहा, यो छोड़ के बच गया, उसकी बड़े मुश्किल था, फिर उस भाई की जान बची। इसके बाद आप सभी को मैं एक चीज और बताता हूं, इसका गोली लाग रही ना छाती में, बिला गौ माता के ऊपर गोली खाई थी इस ठठेरे ना, गौ माता के ऊपर ना खाई, अगली गाड़ी में इसका मुखबर चल रहा था, मुखबर तो इसने देसी कट्टा दे रखा था, दारू पी रहे थे, दोनों गाड़ी आपस में भिड़गी, उन मुखबर दोरा गोली चाली, जब इसकी छाती में लगी कट्टे की गोली, या उस गोली की हकीकत थी, यो तो इतना बड़ा डरपोक अपने घर में मुतन नहीं जाता एकला, क्या के मुखबर पकड़ेगा यो, सिरसा से किसी गाड़ी के जब यो पीछा लगेगा ना, वह गाड़ी नू में वात जो दोरा जाकर पकड़ेगा, ऐसा क्यों पता है क्यों, क्योंकि इसकी उड़े सेटिंग हो है, इसके उड़े नगद रुपये बने हैं। ये बात आती है जावेद और नासिर की हत्याड़ी, जिसमें इस ताज क्लीन चिट भी मिली, मिल रहेगी भाई, सरकार ने जो जमाई हो अपना बना रखा ना, इसमें क्या होया, नासिर और जुनेद, जावेद सॉरी, और ये जो पुलिस वाले इन कहो ना थ्याता भाई मैं पकड़वाऊंगा, मैं कहूं हूं, जिनने सबूत चाहिए प्रशासन ने, शासन ने, जिसने भी सबूत मैं दूंगा, हकीकत बताने वाले बनो, केस लाने वाले बनो, इसकी कांच काटने वाले बनो, न्यूना हो आगरे हो, हमारे सिर पर ठेकेदार बना के बैठा दिया तुमने, हिंदू धर्म का यो है छतरी है, यो है हिंदू, यो गां कटवानिया, यो गां कटवाने वाला कटवा, इसने ऐसी की तैसी करके धर दी, यो कलंक हिंदू समाज के ऊपर, कहां गए इसके वे जो पोस्ट गे रहे थे, एक मिनट पहले इनकी पोल पट्टी खोल लून पर बाद में आओगे, जावेद नासिर पाए थे जिनकी हत्या हुई थी, उनकी हकीकत के थी, जिदन यो थ्यावे सरकार कितना है बचा लो, कितना है कुछ कर लो, लास्ट में घूम फिर के इसकी कांच काट देंगे, जिदन यो थ्या जाएगा, प्रशासन इससे परेशान है। मैं आप सभी को बता देता हूं, नासिर और जावेद की भरतपुर में वे पकड़े गए, उड़ा एफआईआर हुई, वहां जब एफआईआर हुई उनको पीटा गया, वहां पर मौके पे इसका बेरा कौन सा लड़का था, लड़के का नाम था रिंकू सैनी, जो कहने लग रहे हैं प्रशासन या सरकार इसका कोई रोल नहीं था, रिंकू सैनी इसके पास कॉल करता है, वो सारी खबर देता है, क्या होता है ये उनका गणे मोगरे मारे हैं, इनकी या बड़ी आबादी दिखावे थी, मोगरे मार के वीडियो बनाया करते, फिर करता है यो अपने मुखबर से बात, इसका मुखबर जाता है नासिर हर के घर, और वो मुखबर कहता है हम थारे बच्चा ना छोड़ देंगे, भाई से बात करो, भाई मांगता है 2 लाख रुपये, 2 लाख रुपया मैं थारे ना छोड़ दूंगा, मुकदमा दूंगा छोटा, थारे की गल गल जमानत हो जाएगी, लेकिन जय मन राजस्थान में मुकदमा दे दिया, थारे बड़का पर 6-6 केस हैं, ये बाहर नहीं लेकर पाऊंगे, इन पर 6-6 केस राजस्थान सरकार के थे, हरियाणा में उड़े के नजदीक फजिलका वजिलका CIA लागे उड़े लिया, ये इनके घर क्या ने कह दी 2 लाख रुपये लेकर आवा, पर हरियाणा में कहीं भी छोड़ दो, वहां CIA में लेकर आए तो CIA वाले ने देखा जब नीचे उतारने लगे एक जने की मौत हो ली थी, उस मौत के कारण उन्होंने वीडियो बना ली, और वे नाट गए लेने तो हम नहीं लेंगे भाई, एक तो मर लिया, फिर इसके पंजे पाट गए, इन अपने आदमी तो कहीं उड़े तो लेकर ले तू, ये जो बाकी इनका लगन दे केस, इस तो फिर शिक्षा दी एक आदमी ने, उसका नाम है, मैं तो केस से तो बूझियो भाई, आगे एक मर गया दूसरा विटनेस बन जाएगा, ऐसी तैसी हो जाएगी, मोनू इन की तजलवा दे, इन्हें ड्यूटी लाई यहां तक बेवानी गाड़ी गई उड़ जाकर वे छोरे, उसमें एक जिंदा जलाया है, एक की मृत्यु पहले रिमांड में हो चुकी थी, 2 लाख रुपया के ऊपर वो छोरा मारा, 2 लाख रुपये यो रिश्वत मांगा था, यो गधे का बच्चा, अब जो ठठेरे इसका करियाउड़ गोबर तसड़े में लेकर घूमने लाग रहे हैं, और ये कहे हैं गो तस्कर मार दिए, गो तस्कर तो सब तो बड़ा यो है भाई, न मार दो न तम, मैं न्यू को हुई ना क्यों ना मारते तम, गो तस्कर तो सबसे बड़ा यो है, इस तो बड़ा कौन सा है,
ऐसा कोई भी नू मेवात के अंदर अथा नहीं है जड़े इसकी मंथली नहीं बन रही। इसकी मंथली का सबसे मैन आदमी भी बता दू थरता है। एक मिनट रुको, के नाम थारूगा है? अरे वो नहीं, वो दिल्ली वाला गोरक्षा दल जावेद, दिल्ली का जावेद है। जावेद की गाड़ियां आती हैं डेली, अर्जन आये ना कल आवे पाऊंगे। इसके हर एक नाके पर मंथली दे है। पलवल में इसकी जिम्मेदारी संभाला है शैलेंद्र, शैलेंद्र हिंदू नाम था। ईडी पाओगी छक्कर रुपये खावे है। इसके जितने ठटेरे सारे मेरे खिलाफ बोलते पाओगे। बाल भी बाका ना होया भाई मेरा, के कर लिया शैलेंद्र नाम का। और जावेद जो सबसे बड़ा तस्कर है दिल्ली का, बाई नेम बोलने लाग रहा हूं। और तोर उट्टा की गाड़ी भी पकड़ी, भैंसा की गाड़ी भी पकड़ी, उन पर भी मंथली लिया करते आपके बाबूजी। एक और सुनो, 1,80,000 में इसने एक सरदार की गाड़ी छोड़ी थी पंचगांव से पकड़ के। पंचगांव आप जाओगे चौक के ऊपर चुलबुली नाम का छोरा पाओगा, दुकान के खोखे पर बैठा रहे। इसका सारा लेन देन कर रहा हो चुलबुली, सब कुछ लेन देन करता है सब कुछ। इस गले एक बहुत जीदार छोरा जुड़ा था सोनीपत का 2016 में, देव प्रधान सोनीपत का। वो इनती हथियार सप्लाई कराया करता सारे गोरक्षक का थी, एक नंबर का छोरा था। गोरक्षा के लिए हथियार सप्लाई कर रहा था भाई, बदमाशी के लिए नहीं। वो आज हमारे बीच में नहीं है, हमारे सोनीपत का था। इस बाबूजी ने के कर सिर्फ एक लोता यो आदमी था जिसने उसका बेरा था, वो कड़े है। यो उसको छोड़ के आता है नोएडा फ्लैट में, राड़े तो सीआईए ले जाकर अपने दोस्त ने बलि का बकरा बनाकर पकड़वा दी है। उसने देखा बाहर सीआईए खड़ी है, वो ऊंची बिल्डिंग पर था, पीछे छज्जे का लटक गया। सीआईए ने बेरा था तुमने क्यों पकड़ना, क्यों मारना है, लटका रहे उन्हें इग्नोर करते रहे। उसके बेचारे के हाथ छूट गए, ऊपर तपड़ का मर गया। बता भाई सच्ची बात से कि नहीं? ओ फर्जी हर बात का जवाब दिए, मेरे नाम के फोन कणवान लाग रहा है सब दौर है। अगर हर शिकारा के खिलाफ लाइव आई हो उसकी लाइव देखे पीछे। मैंने को हूं मेरे भाई, काम बोलता है अपना, फर्जी नहीं भोगते, सबूत दूंगा भाई। 20,000 आदमी लाइव देखो, रिक्वेस्ट है सभी एक बार शेयर करते रहें। अब जो बातें बताऊंगा वो बातें कोई नहीं बताएगा। एक सेकंड भाई, जावेद नसीर हो गया, रिंकू सैनी हो गया गुड़गांव, वो भी हो गया। हाँ वो मैं देखूं हूं कि छवा ए यूरिया। एक मंगल नाम का गोरक्षक था भाई जो हमारे बीच में नहीं गुजर गया। एक विक्रांत यादव नाम का छोरा था जो मालपुर पटौदी के पास के पास ही गांव था उसका। और ये जो मंगल था इसका भी शायद पंचगांव के पास गांव था। ये दोनों गोरक्षक थे, पोस्ट देख लेना ये थारे फर्जी ठेकेदार की। दोनों के नाम पर चंदा इकट्ठा कर इसने, चंदा इकट्ठा करके सारा चंदा 1,00,000 आ गया। यो ढोंगी, इसके दोस्त बलि का बकरा बन के आज हमारे बीच में नहीं, उनके नाम पे वो चंदा खा गया। इसकी गैलरेन या पलवल का छोरा सुनील, जिसने कहा अगर मल दारू पी का खुद गाड़िया में गाड़ी बैठागा आपस में पड़ रहे, उसके शर्मासी टाके आए वो छोरे गे में। उसके बाप दो रही, इसने 2,00,000 रुपये लिए, उसका कोई जुगाड़ नहीं था। उसके भाई दो फोन कराया, अक्तरे भाई इतरा भाई जिंदगी मौत के बीच में जूझ रहा, रुपये लिया। उसका भाई अपनी चैन टेक के 1,50,000 रुपये लाया, वे रुपये इसने लिए। फिर इसने गोरक्षा दल आगा हाथ जोड़े, गुरुजी इसकी जान बचाओ। उनका बिल तो भरिया गोरक्षा दल ने, और इसने सारे का पोस्ट के फलादी के घेर दी। मोनू माने सर ने अपना प्लॉट बेच के गोरक्षक की जान बचाई और उसके नाम पर चंदा इकट्ठा कर वो न्यारा। वे 2,00,000 रुपये जो उसके बाप पे लिए, 1,50,000-2,00,000 रुपये जो उसके भाई पे लिए, उस उनके नाम पे जो चंदा इकट्ठा कराया वे रुपये कड़े हैं भाई, तने प्लॉट बेच दिया। और वो गोरक्षा दल ने बिल भरिया। रामबास गांव के बंदे सबके नाम ये जाना है, 1,30,000 रुपया हम दारू और डाम पिकअप छोड़ी होगी तुमने गाया की बरी ओड़। ये वे काले चिट्ठे हैं जो सबके सामने आगे तो खोलते चले गए ना, तो ये इन चीजा न लोगों का रख्या करें। अब इतने आदमी आगे मन नाम बताए हैं, अब आता हूं काम की बात पे। एक भी बात मेरी झूठी हो, एक भी बात में फर्क पा जा, इस पर जवाब दवाइयो। और सुन भाई,
फेसबुक की लड़ाई ना छोड़े, त्रिगेल छाती तो छाती लड़ागा, जोड़ा कहेगा जिस टाइम कहेगा जिस वक्त कहेगा मैं लड़ने फेटने तैयार हूं। यो इसका नंबर है जो स्क्रीन शॉट में दिखाया था। पुलिस प्रशासन तभी बताऊं डोंगल यूज करे है, बड़ा फट्टू है, सरकार इसने पकड़न नहीं देती क्योंकि सरकार का चमचा, सरकार ने हिंदू मुस्लिम का गेम खेलना। अब जो भाई कहते थे मेरे को ईब सुनो भाई, एक कुंडली कहना को कुंडलाड़ा कहना नहीं चाहूं तो वैसे तो तेरे ते गौरक्षक बन रहा है तू, तेरी मेरी कोई मन तेरे तो को लेना देना नहीं। उसने एक वीडियो भी बना के गे रखी थी, बाती भी फर्जी हो जाए अगर, उसने एक वो भी गेरी थी इंटरव्यू में कि ये जो हिंदू मुसलमान हैं, यानी कि हम हिंदू होगा बिला जो मुसलमाना की मेरे लिए ये मुसलमाना की मूत तो पैदा हो रही है, तू खंड आ गए ये लटूर है भाई, खा गए यो गुटका खून पीनी रांड वर्गा कर कमू और लाइव आ गए तू, हमने न्यू बता लग रहा मुसलमाना के मूत तो पैदा हो रही है, तू एक ला क्षत्रिय हिंदू पैदा हो रहा इस मारे वे गोरक्षा के नाम पे तू जो गाड़ी चला रहा रात नून दारू ढोया करे और यो त्रा का यो तेरा मोनू मानेसर नाके पास करवा आगरे इस मारे इसकी मेर मारे भाई। अब तू गोरक्षा दल की गाड़िया में दारू ढो है रात ने, तीन दिन इस पीछे पुलिस ला के देख लो बेरा पट जाएगा। चलो तेरा काम धाम है दारू ढो क्या ढो यार, दुनिया कमा खा रही है, दो नंबर के काम कर एक नंबर के, मन कोई लेना देना नहीं मेरे तो तू फर्जी का है कहे जा, लेकिन तू एक पूरी कम्युनिटी तो जमींदार है तेनू कहन लाग रहा है, पूरे जमींदार इसका विरोध कर रहे हैं, उन तेनू कहन लाग रहा है तो मुसलमाना का मूत से। पहली बात जो कुंडल गांव उसके चारों तरफ नजर मार के देखिए, जिनके तो तू गाया के नाम पर गेहूं मांग के लिया, तूड़ी मांग के लिया, पर्ची काटे, वे सब मुसलमाना के मूत, तू एक ला छतरी हिंदू पैदा हो रहा, तू ही सूर्यवंशी है, छोड़ ना वो उसका काम हमारे लिए कितने खाओ हमने किए है, तेरे तो फिर कोई बात कोई ना ब्रोदर, तेरे खिलाफ ना तो मैं बोल रहा था ना मैं किसी के खिलाफ बोलना चाहता, लेकिन बाती भी फर्जी हो जाया करें, एक बार ये फर्जी बाती ने अपनी कम्युनिटी तो पूछ लिए, बाकी अंदर रहने दे कह छोरी बह रखी वे जवाब दे देंगे, मैं के दूं तने, मेरे लिए तो सब एक मेरे भाई, मेरे तो तुम बेरा क्यों कहो हो, एक बिना खसम की लोगाई होया करे ना, वह बेचारी सब ताक सोराती हंड वो एक काम मेरा हो रहा, ना मैं कांग्रेस का ना मैं बीजेपी का ना मैं हिंदू का ना मैं मुसलमान का, मैं हूं इंसान, इंसानियत की बातें करता हूं, इस मारे तुम मेरे पीछे को खड़ा ना दिखता, रही समाज की बात खड़ा दिखो ना दिखो कान खोल के बताता हूं, वह लट्ठा का जोर बहुत ठीक ठाक से, मैं तो न्यू डरू हूं मेरे खिलाफ को बोल रहे मेरे गणे छह फुट तो ऊपर गए थे मेरे भतीजे हैं, कदे न्यू मानता हो बड़ा गा डाडा छकारा ऊं लाई भोके जा है खाम खाना भोगता बैकबोन के मन के मत होएगी, और सरकार तो टक्कर ले रहा, एक पोस्ट गिरन लाग रहे हैं कंबल चोर कंबल चोर, सिर्फ 5 साल पहले भी फलाई थी वह रिकॉर्डिंग मेरी, एक और पोस्ट गिरन लाग रहे हैं किसान आली किसाना नंगे करके ले जाएगा, 5 साल तक फलान लाग रहे हो, आज उनका जवाब सुनो, कंबल चोर हूं कंबला के रुपये की न दिए हैं, कोई हिसाब दे सकता है किसे पचंदा लिया हो आस्ती लिया हो कंबड़ा के नाम का, जब थारे पचंदा ही नहीं लिया तो मैं कंबड़ चोर हो कैसे गया, ये बात आ गई उसकी यो किसाना की, वह वीडियो गौर से सुनना न्यू देखा करो, थारे तक कितना गद्य मार्क्स है, यो किसान आंदोलन होने से 6 महीने पहले की वो रिकॉर्डिंग है, 6 महीने पहले मन बेरा था न्यू आंदोलन होगा, नगन प्रदर्शन नहीं होया उसके अंदर देख लो, उसने नंगापन का आग्रह, और मैं न्यू ना कहता अब फ्रेंची काट कर रोड़ा पे किसान आंटेंगे, उसी को बोलते हैं देसी भाषा में नंगा प्रदर्शन, अरे होया वो शुद्ध हिंदी में उसको अर्ध नगन बोलते हैं। इब एक बात और कह, गौआ के नाम पे छकारा रपिया खा गया, गौआ के नाम पे छकारा किला खा गया, अपनी बहू के नाम करा गया, भाई तरी बेबे का लोग कन्यादान गल के गया था मेरे अग मन बहू आगे ऊप है किले के नाम पर थरे पर रुपये इकट्ठे करे थे, वो अनिलार्य है हासी तो उस तो जागे तो पूछ लियो खा रख्या अग ना खा रख्या, वो किलाज भी उड़े पड़िया है ब्लैक किला लेकर ड्रामा करया, किले की हकीकत के न्यू तो देख लियो 24,75,000 रुपया का तो किला आया था, स्कॉर्पियो पुरानी मेरी गाड़ी थी उस पर लोन कराया था, 10 बीघा का 11 बीघा का टाइम लिया था, किला मन लिया लेकर अनिल आर्य तो मन दिया था,
अनिल आर्य ने गौशाला चलाड़ी थी, गौशाला चलानी थी, किला मैं लेने लग रहा हूं, पीछे मैं देने लग रहा हूं, किला मेरी बहू के नाम होगा भाई, और किसके जॉर्ज फर्नांडिस, फर्नांडो के नाम कराना चाहूंगा मैं भारत देश। अच्छा उसके नाम हो गया अनिल आर्य, तो पूछियो मेरी पत्नी तमन्यु कही थी, मैं चकल मर जा, किला नहीं लेना ही पे। उसके बाद उसने गौशाला भी कर ली, गौशाला करने के बाद उसके पिताजी का कैंसर थी और उसका पिताजी एक साल के अंदर अंदर चल बचा। वो अपने पिताजी के इलाज में लाग रहा था, उसका मेरे पास फोन आ गया, भाई साहब मैं गौशाला नहीं चला सकता, अब जितनी गांव थी जितने गौशाला के जो भी सामान थे वे मैंने सारे आप अपनी जगह पर जोर गौशाला है वहां बांट दिया, एडजस्ट कर दिया, किला खाली पड़ा उन्हें संभाल लो। इन बातों ने 2 साल हो लिए, मन तो वास्ती संभाले भी ना, कौन सा किला खा गया, कौन सा वो यो परमार परमार भवानी था पंचायती बन रहा था, एक वो दीपक दैया कड़ेगा वो सफीदो का 5-6 40 रुपये की कच्चा पैर यार था, तू नेता बनया अंडे है फर्जी ठीक है, वे आदमी है जिनके नाम गणवान लाग रहा, जो ही अपने बाऊ जी के याका के नाम पर गाया के नाम पर रुपये खा है, इनकी डिटेल निकाल लेना। और एक बात और बताता हूं, न्यू मत मानियो, अब यो जो सुना दिया यो है 280 रिकॉर्डिंग है, तो जैसे राजा की जान तोते में होया करे ना, तोते में जान है इसकी, कांच न काटो भाई, बह मैं न्यू चाहूं देखूंगा विरोध करना आवेंगे कौन कौन, और फिर वे जो विरोध दिया होंगे ना फिर उनके थोपड़िया ना बंद करूंगा। ई भाई ई बता दो, ये कहा हिंदू कटवावे हैं, मुसलमान कटवावे हैं, जाट कटवावे हैं, ब्राह्मण कटवावे हैं, कून कटवावे हैं, तारे श्यामी सब क्यों, सब कुछ बता दिया, जो जो इन इन चीजा में हिस्सेदार है, जो गां कटवाने वाला होता है ना, गां कटवाने वाला उसकी कोई जात जमात ना होती, और जो मारता सर्टिफिकेट बांटे थे हिंदू धर्म का, कड़ा अपनी सी तीसी कराने चले गए रही तम है, कौन सी जगह हो सर्टिफिकेट दे दिया, यो तारा जीजा जी गां कटवाने लग रहा, पाड़ लियो न उसकी पूछ जा गई, कौन सी पाड़ोगे, सिद्धि का आगरू मुंह पर का आगरू, मरण तो डरता ना कट्टण तो डरता, जिन्होंने देश आजाद कराया भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर, उनके बीच में सुखदेव एक बात का आगर था, भगत सिंह तो आजाद जीत है, दुनिया जीव है, मैं देश के लिए एक बार मरना चाहूं, यह हकीकत अपनी है, अथेड़ी पर मौत ले घूमू आज आ जा चाहे काल, कोई फर्क नहीं पड़ता, थारेगी त्रिया दुनिया का पानी मार गए को न जीना। और रही मेवात की बात, अब सुनो आगे की, खुला चैलेंज मैं करता हूं भाई, जब बोलोगे जहां बोलोगे मेवात के अंदर, जिस वक्त बोलोगे मैं जाने को तैयार हूं अकेला, मैंने सरकार तो मन कह ली, प्रशासन तो मन कह ली, इजाजत तो दो, मैंने ये मेरा जबरदस्ती दाते दंगे के नाम पर मेरा केस लागे भीतर घेर देंगे, इसे फटफटे हंसेंगे, वो छकारा बंद हो गया, ये ड्रामा तो कुछ हुआ तो कुन्या इंडिया में तो कुछ ना हो, एक बारी मने इजाजत दो, मैं गारंटी देता हूं, वादे के साथ कहता हूं, जो मुस्लिम मोमडन वे भी इतने परेशान ही गौ हत्या ते, जिन कईयो पे मोमडन ने गां काटे हैं, या और सुनो ही, मिस्र से आए हुए लोग हैं वे, जो उड़ बस रहे हैं, जिनकी वे गां काटने की दुकान है जगह जगह, किसी का इतिहास काट लिया करो पहले भोकण ते। रही बात है, ये जो बजरंग दलाले कच्छेदारी ठेकेदार बन रहे हैं, थर ते भी एक बात बताता हूं, गोरक्षा दल भारत के नाम ते, यो थारा फर्जी ठेकेदार मोनू माने सर, नया संगठन बनाया मथुरा के छोरे के नाम करा रह क्या, यानी कि पूरे भारत में यो संगठन फैला कर ये पूरे भारत की गांव का त्याग रहेगा, और 5 साल हो रही हो इस सरकार का चाहे पंचायती बनकर रह गया, तम नगाड़ा में कुत्ती आंडती दिखेंगी, गां नहीं सारिया ने कटवा देगा, एक भी नहीं बचेगी एक भी। और मैं चैलेंज करता हूं इस बजरंग दल को, कच्छेदारियों को, जब तुमने देश के लिए क्या करना है, हिंदुस्तान में सरकार थारी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, सब कुछ थारा, सब कुछ हिंदुओं के हाल में, जय थारे में हिम्मत है, हम तुम्हारे साथ हैं, इस गोरख धंधे को जो गो हत्या होती बंद करके दिखाओ, तमने कुछ देश के लिए करना तो करके क्यों ना दिखाते, बाज को उन मुसलमान नाम बढ़ जाए हैं और आपस में लड़वा दे, तनाव बना दे हैं, एक ये काम होता है सब इंसानों का।
चैलेंज करता हूं, चैलेंज 40,000 से ज्यादा गैर सरकारी अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर गऊ काटने के हत्थे बने हुए हैं, और जो सरकारी हत्थे हैं 80% तुम्हारी सरकार के, तुम्हारे मंत्रियों के नाम टेंडर छूटते हैं ठेके, जिनमें हिंदू भी गां काटर मुसलमान भी उड़ जाकर उनकी हिस्ट्री तक डिलवाड़े भोके तक काम चल जाएगा ही फोरना पे दरातल पर जमीन पर घूमू हूं थारे की तेरी आप फर्जी नहीं हूं, गाड़ी पक्का लाइक फॉलोवर ले लिए और मशहूर हो गया, काम करते हैं जाके एक बार उन हत्या की डिटेल काटो और डिटेल निकाल के उन बंद करवा के दिखाओ ना। जब कांग्रेस सरकार तिरोड़ा पर रुके मारिया करते अब वो हत्या बंद करवाऊंगे। 12वें नंबर पर बीप का निर्याता था जब देसी, पहले नंबर पर है सबसे ज्यादा जो गाय का मांस विश्व में बेचने वाला देश वो हिंदुस्तान है, जो हिंदुओं का देश है। शर्म की बात है, दुर्भाग्य की बात है। वो किस मारे जो नकली हिंदू चोला पहन के बैठे हैं धर्म का, इनकी ऐसी तैसी होगी। उदाहरण के तौर पर गोरक्षा दल में आजाद आर्य बैठा, आजाद आर्य जी नाम बड़ा अच्छा है, सफेद कपड़े पहनता है, देशभक्ति भी है, गोरक्षा भी करता है। यो कौन सा मेल होया गोरक्षा करने वाले का गो खाने वाले के साथ? मोनू गौ खान लाग रहा वो इसका चेला है। और जो आजाद आर्य जी है जाति से मूड़ा जाट, नारे लगा वे हिंदू हो एक हो जाओ। अरे भाई साहब कौन सा ड्रामा चल रहा है यो, थोड़ा हमने भी समझाओ। कड़े का रो के नाम हुए का मतलोडा, मतलोडा आजाद जी का आर्य जी का शाबाश गुरु जी, धन्यवाद आपका। इसे इसे चेले 50-100 पाल लो, ये गाय ना बच्चे ये चेले खा जाएंगे। बीजेपी तो टिकट चाहिए है, चलो मैं मिलवा दूंगा, मेरे द्वारा बड़े ऊपर आऊ आपने दवा दुआ, मैं मेरी टाल करो ही गुरु जी तो दे दू एक टिकट के मारे। मतलब कौन से गोरक्षक बढ़ रहे हो आप? रही जो गोरक्षक साथी है इसलियत के भाई, आप लोगों के बारे में ना तो मैंने कही, और आप लोगों से बड़ा जो दिल से काम करते हैं आप लोगों से बड़ा कोई समाज सेवी नहीं, हम आप लोगों के नजदीक भी नहीं। सारे अपने ऊपर मत लिया करो, मैं तो उन नौजागर करने लाग रहा हूं नाम ले ले। इन की टीम का एक छापले भी है, उन मगर भी एक बहुत फोदक रहा 40 किलो का, आम ऐसा ही फेटा के बेटे ही फोदा पता के दरिया है। मेरा फोटो वायरल करा कि मैं मोनू मानेसर का पहला भगत था। सुनो वह बात भी, एक बारी एक गाड़ी पणियार गांव में थे, इसार तक पड़ा 40 किलोमीटर लगभग। खबर आती अनिल आर्य मेरी गलता, मेरा तीन चीजा तो लेना देना नहीं कि गौआ की गाड़ी भरी जान लग रही। अनिल आर्य दो खबर आई, हमने गाड़ी पीछे ला दी, गाड़ी पीछे ला दी, सीधी डायरेक्ट मोनू की कॉल आती है, अगर रास्ते में गाड़ी मत रखवाइयो छापला मनन्ना काला रेखा उड़ रखवाऊंगी। छापले तो गाड़ी आ गई, छापले तो पहले 100 स्टॉप 100 टीम थी इनकी, नहीं रोकी छापलो, रोकी छापलो, फोटो खिंचा था। मन्ने न्यू कही थी मोनू ने, बोला भाई एक फोटो लिया गया, मैं लिया मैं लूंगा, मैं अपने हाथ में सेल्फी लेगा फोटो ले दिया रू सब है के मैं क्योंकि स्टार नहीं हूं ना मन बनना। उस फोटो ने वायरल करके न्यू कह लाग रहे पहले भाई के साथ फोटो लेता था, मशहूर होता रे भाई की माँ की आंख के घंटा से वो पिलपिला के है भाई वो इसे इसे ठठेरे तड़के शांति 20 आव उड़ा पी के दो घूट मुंह तारे रात ने वो छाप ले आम जाते वो ड्रामा कर दिया उन्हें। कौन सा बेचण आला, उससे दिन आत्मा भर गई थी, पहलड़ी राखरी मुलाकात वाई थी इसके साथ, फिर फोटो वायरल करा भाई तो जन्मदिन की बधाई दी। एक दिन में 100 आदमी वीडियो बनवा ले बर्थडे की, भाई साहब एक वीडियो बनाइयो एक वीडियो बनाइयो। इफ जो वीडियो बनवा हुए हैं मैं को सब न जानू, प्यार प्रेम में बना दिया, प्यार प्रेम में बनाई और वीडियो थी जब इन ना जाना थे, जबकि उससे अलग इसके साथ मुलाकात नहीं, उससे अलग इसके साथ फोन पर बात नहीं। फोन पर एक बार निलारिया ने करवाई थी, एक बार आज हुई है, ओ सॉरी 12 अगस्त ने। यू न्यू कहना लग रहा भाई साहब हम तो आपके छोटे भाई, हमारे से क्या गलती होगी? गलती तू खा गया सब क्या है ना, तना ऐसी तैसी करके धर दी। इब लोग का दौरा फोन करा है, यो ये फोन करे लो का दौरा है, सारे विरोधी ढूंढ ढूंढ सब न कट्ठे करूंगा और कट्ठे करके रस चिकारा के खिलाफ लाइव आई हो। लाइव तो इमरा बाड़ बाका हो नहीं, मैं फेसबुक का शेयर ना हूं,
इस तरह तुमने मशहूर और कर दिया, तुमने ट्रेंड चलाया था कि रस शिकारा को अनफॉलो करो। 17 लाख फॉलोवर थे मेरे पेज पे, 18,60,000 हो गए, 1,60,000 बता दिए तुमने तो। मेरे इंस्टाग्राम पर 6,99,000 थे, 7,32,000 हो गए। तुमने तो मेरी तरक्की करवा दी भाई, इसने रोको क्यों कर रोकती हो? गधे के बच्चे काम करना पड़े से, ये फर्जी ठेकेदार बनकर तुमने ऐसी तैसी कर दी। और जो कहे हैं कौम का हीरा, यो युद्धवंशी कौम का हीरा, सबसे पहले ट्वीट देखना, एक बहुत बड़े नेता हैं जो वाक्य में युद्धवंशी कौम का हीरा है, राव इंद्रजीत। सबसे पहले उसने ट्विटर किया था, या कौन सी यात्रा है, कौन सी यात्रा में हथियार ले जाया करें। इन सब दंगाइयों को मारो और इनके खिलाफ एफ आई आर दर्ज कराओ। कौम का हीरा होता तो राव इंद्रजीत साहब ये शब्द ना लिखते। ये सब फर्जी हैं, इन मेन्यू ना देखो, वो फलाना सैनी था, फलाना वो विनू जाट था, और फलाना मोनू यादव था। अरे गायें कटवाने वाले की कोई जाति थोड़ी होती है, नीच आदमी की कोई भी जाति नहीं होती। हर जाति के अंदर नीच आदमी मिल जाएगा। एक नीच आदमियों के ऊपर आप किसी की धर्म, किसी की कम्युनिटी को बदनाम करते हो। मुसलमान ऐसे, मोमडन ऐसे, मोमडन ऐसे, मोमडन गौ सेवा करते हैं, तेरी गुद्दी पकड़ कर मैं दिखा के लाऊंगा, फेटिए के दे तू, तेरे तो कामेल कामेल गा रखे हैं। महाराज जो दुश्मन देश है पाकिस्तान, तने बेराय होगा कितनी कामेल कामेल उड़े गिर गाये साई वाल गाये रखे हैं, तेरे हिंदुस्तान तभी तगड़ी उड़वे मोमडन न तो होंगे भूतनी के, सारे गां खानिए ना हो आग रहे, सारे गां खानिए हिंदू नहीं होते, सारे गां खानिए मुसलमान नहीं होते, समझ गया? ये करकट ड्रामे तने ऐसी तैसी करकट धरती इस फेसबुक की, इस फेसबुक की लड़ाई की, तने आप बना दी हिंदू मुसलमान, त्री कांच न काट वहां जड़े मिल गया। आम ऐसा ही फेटूंगा, सरे आम कहन लाग रहा हूं, सरकार तेरी, आदमी तेरे, रिपोर्ट करा, जो तेरे बस की है तू वो करा, तेरी खुली छूट, जड़े दी तरत चल जा, उड़े तने छकारा पाओगा आगे, छकारा एक लाए बहुत से, मेरी पूरी कम्युनिटी थी तने गाल दवाई है, पूरी कम्युनिटी थी। और भाई इन आदमी के चेहरे याद कर लियो तुम, जो करो कौन था, मैं कुंडला किसान आंदोलन होया, जब उसका उसका बहुत कीड़े उछलन लाग रहे थे पेट में, पहलवान आए जब उसका कीड़े उछले थे, ईवीओ मिन्नू मेवात हिंदू मुसलमान होया जब उसका कीड़े उछले थे, उस तो एक बूझ ते लो भाई, जो नजदीक के गांव तुम चंदा दे दो हो, एक बूझ तो बात तक कर लो, महाराज चंदा खर मारते गाल, जो उनके नजदीक के गांव हुए थे ये बात कर सके हैं। ये कई इसे ठठेरे फेर के ये मारता गाल दे, पत्रकार कई कई है, सारे नहीं, कदे फेरोड़ता तीर लो, इन आदमियों के जाकर मुंह ममाई गोवेंगे, हाँ जी बताइए क्या कहना है, बैंगन कहेंगे भाई ये, इनका यो याद नहीं रहता, सूता उठ के तड़के तमने हाथ धोए कि ना धोए, ये मतलब तमने पंचायती बना दिए, धर्म के ठेकेदार बना दिए, रात ना दापी के सोए हैं ये, मतलब कुछ भी। अरे यार इंटरव्यू लेने वाले हो, शर्म आनी चाहिए तमने, या पब्लिसिटी हो 2 रुपये कमाने के चक्कर में कोई श्यामी दिख जाओ, इब यो करेगा भाई नया ऐलान मुंह ममाई गो दिया है मेरे यार, क्या मैं तो शर्म होगी इस समाज की, जो ऐसी की तैसी तम न कर दी ना थारे दबत्ती किसे ने नहीं, मैंने बेरा क्यों करने लाग रहे हो, तम चलाने लाग रहे हो इब अपनी वीडियो, अपना चक्कर व्यू, आगे इलेक्शन आओगा उसमें तम फिर भी नगद रुपये बनाओगे अपने, भाई विनेता मंत्री आप नगद बना लियो, समाज की माँ बहन एक मत करो, मान जाओ आगे ला गए यो समाज जोड़न में। और जो न्यू कहन लाग रहे हैं छकारा की पोल पाट की, छकारा का ना पाट है भाई कुछ भी, ये 5-4 रिकॉर्डिंग तो मैं 5 साल तक वायरल करने लाग रहे हो, 15 साल तक करे जाओ, ठोस सबूत लियाओ, जो कर मैं लेन लाग रहा हूं, किसी के रपिये खा रहा हूं ना, न्यू का चंदा चोर थरे श्याम ही कहूं सू, और बोलो चंदा चोर सू, क्योंकि चंदा देने वाले मेरे भाई खांगा, समझे? लेकिन आज तक इन कैमरिया के सामने ही, फोटुआ के सामने, वीडियो के सामने को न्यू कहनिया क्यों ना लिया का रस छकारा मेरे 1,000 रुपये खा गया, को 1,000 के न्यू देखा हुआ ना सबूत मेरे खा रहा, उस तो 2,000 उल्टे दूंगा, 1,00,000 कहेगा तो 2,00,000 उल्टे दूंगा, चैलेंज है। थारे खा रहा क्यों, थारे रिश्तेदार के खा रहा क्यों, उसके रिश्तेदार के खा रहा क्यों, भाई श्यामी ले आओ,
न्यू तो कोई किसे ने कुछ भी कह सके है, बिना अडगी जुबान है कितनी ये चला लो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भी कह दूंगा तुम सारे मेरे रपिये खा रहे हो, इसका मतलब खा रहे हो, करते अंडे जाओ प्रूफ। काम कराया है भाई, संघर्ष कराया जमीन पर, मेहनत करी अरस छिकारा का ज्याति नाम है। थारे की त्रिया गां कटवा कटवा घर ना भरे कोठी ना बनाई मुन्नू, जो कर तन्न यो हिंदू धर्म बदनाम कर कतरे हो, जो चस्का था ना मशहूर होने का, मशहूर तो हो गया ही धर्मा में, क्यों लड़ाओ मेरे भाई आपस में, क्यों ऐसी तैसी कर रहा है तू, अपनी जिंदगी भी सुधार ले रहे ये अपने यारा की भी सुधार ले रहे, तन कह जेने तब मरवा दिए, कया के नाम पर तू चंदा खा गया, अरे मेरे भाई रे तू क्यों अपनी ऐसी तैसी करवा वह है, क्यों इस समाज की करवा वह है, ये जो भाण बेटी जी ने गल नंगा पोंगा वो दीन मचा रहा तू, तेरी वीडियो भी है उसी भी के गेरू रम है, के तेरे बालक देखेंगे के तेरी शर्म रह जाएगी, है मन न शर्म आओ, मैं इतना गलीज को ना के मुंह घेर दू, तेरे मुंह मगर जाग पड़ेंगे, रिश्ता तेरा खिंडा खिंडा अंडेगा, तेरे परिवार की आज नहीं पहुंचाना चाहता, क्योंकि तेरे बालक भी मारे लिए तुम्हारी बाण है, तेरी माँ भी मारे लिए हमारी माँ है, पर तेरे जैसा घटिया नहीं, तू मारा भाई नहीं है, तेरे तो बढ़िया ओते पालने में कपड़े कमर जा ठीक से ससुरा। रही बात मेरी रिकॉर्डिंग आ की कि मकरे जाओ भाई वायरल, जुबान का छकारा गंदा है, सीधी कहूँ हूँ, सीधा बोलिया रू बनावटी बात मन ना आती मेरी, तो चाह रिकॉर्डिंग कर लियो उस्ताग कर लियो कदे कर लियो, खुली बोलिया करू कति खुले मुँह है, न्यू का आगरा देसी का होता है बिटोड़े के मुंह मग गोशे लिख डे रहे हैं, बिटोड़ा ये हूं मैं, बनावटी बात मनाती को न्या, या इनकी हकीकत थी, अरे भी जो इनका चोला के इनकी चुन्नी इनका लत्ता ओडे रहेगा, थारे तो बड़ा बेशरम ही धरती पर नहीं, ये हिंदू धर्म के ठेकेदार मतलब ये मारता मारा धर्म छकाऊंगे, जमींदार खेती करे, जमींदार गांव पाले, जमींदार बड़द पाले, जमींदार यार देश की सरहद के लिए बेटा दे, जब बात जमींदार की किसान की आवे हैं, इनका कति खड़ी चूल उठ जा है, और ये तुम्हें मान जा जमींदार जाट हो है, थारा बैम दूर कर दूं आज, जमींदार जाट जाट हो गए, जमीन जाट जाट के, पंडित के जमीन नहीं होती, राजपूत के नहीं होती, गुज्जर के नहीं होती, यादव के नहीं होती, अरे वे सब जमींदार हैं, और उन सब की लड़ाई एक जमींदार लड़न लाग रहा, और तुम उससे ना बदनाम कर दो छोटी छोटी बात पे, जिसने मतलब जिसका जीवन बीत गया सूता उठते गौ माता ये पैर छुए, और तम करके हाँ जावे जय गौ माता की, 5 गाड़ी सुबह निकाल लेना भाई 6 बजे नाके से, 2,30,000 रुपया भी भेज दिया अकाउंट में, सत्ताई बहुत हो रही है, ऐसे चो साफ कड़का रे नाम, ऐसे चोगा यो ऐसे चोन है, गोज मगा ले अंडे यो फद्दू आदमी, अपने एक रात के 20-20 लाख रुपये भी कमा लेता तुम्हारा भाई, 1 महीने का 1 करोड़ रुपये का टर्नओवर है गांव बेचने का, मोनू मानेसर का बाई नेम कह रहा हूं, 1 महीने का 1 करोड़ रुपये का टर्नओवर इस भाई साहब का, गाय बेचने का, गाय कटवाने का, इस देश भगत का, यो फर्जी देश भगत जो बन रहा, और कड़े गए वे हिंदू नाम तो जो पेज बना के वायरल करने लाग रहे, तेरा फर्जी ठेकेदार हो, तुम्हारी ऐसी की तैसी, आज तक तुमने इतिहास का बेराना, देश के भूगोल का बेराना, जमीन का बेराना किए चल रहा कि ना, तुम्हारे बाप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने 2016 में भी स्टेटमेंट दी थी, याद हो तो पढ़ लेना, वैसे ऐसे गो तस्करों के बारे में दी थी, जैसा यो रहा यो तुमने जो पाल दिया यो कूतड़ा, ठीक है। और भाई लास्ट बात, आपस में हिंदू मुसलमान करके मत लड़ो, और नू मेवात में मैं फिर कहूं बार बार, सारे हत्थे बंद करवा दूंगा, मेरा वादा है, और मेरे मोमडन मुसलमान भाई उन हत्थों को बंद करेंगे खुद, एक बारी मन उड़े बुलाओ तो, उड़े की तो 2-4 मानस पंचायत इकट्ठी करने का मना मौका दो, न्यूना कहता मेरे लिए आदमी इकट्ठे करो, वो मेरा काम है, बस मुझे इजाजत दो, प्रशासन से इतनी सी विनती है, हिंदू मुसलमान को चुटकियों में खत्म कर दूंगा, और सारे गौ हत्थे तड़वाने की मेरी जिम्मेदारी, मैं कहता हूं भाई सरकार कभी नीचावेगी टूटे, मैं कहूं मैं तड़वाऊंगा, फिर भी एक मौका तो दो वहां तक जाने का, अरे तुम्हारा एकला भाई संघर्ष कर रहा है, एकला भाई इतनी बड़ी सरकार से लड़ रहा, मेरे पे के बीतरी है, मेरे दिल की थारे श्यामी बता के तुमने दुखी ना करता, कदे भी अपने लिए कदे तुम काम नहीं लिए, यूज नहीं लिए हो। दूसरी बात, किसे के इसके इस चमचे का इसका को भड़क रह जा, को फर्क रह जा, मेरा फोन नंबर 839-88-88-901 यो है मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यो है मेरा कॉलिंग नंबर है,
फोन ज्यादा हो ना उठे तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिए। आधी रात में भी तूने कहा ना मेरे श्याम या तेरे श्याम ही खड़ा पाऊंगा। और बता, इससे ज्यादा के सुनना चाहवा है तू? गूगल पे, गूगल पे फोन पे भी यो ही है। कमेंट के करने लग रहा है बोला गूगल पे फोन पे। और बता दे रुपये खाने में मेरे भाई, एक घंटे में अपने नाम से वीडियो बनाकर गेर कर थारे रुपये खाऊंगा। मन रुपया की जरूरत है, 10 करोड़ रुपए दे दो, लोग 10 करोड़ रुपए तक देने को तैयार हैं। और मुक्का मार का खांगा भाई थारे खा लिए, कोई उल्टा नहीं ले। इस थोपड़े में कोई तो बात होगी, जब 10 करोड़ रुपए घंटे में खा सकता, को 10,000 खा के दिखा दो किसी के ऑनलाइन, तम न मान जाएगा, तम न कोकमा कई बीनू लिखल ना गिरे। मुन्नू भाई शेर है, शेर है ना, इस शेर की जेर ने काट के छोड़ूंगा, समझ गया? ये अपने शेर ने की तो घरा बांध लिया, देश की पूछड़ी के छिड़ती आंडे। आज बता दू तेरे शेर की ये जेर कटवाऊंगा मैं, इन्हें लाण दे की तो नाकार की तो करड़ दे के मैं बनाऊंगा इन्हें चौधरी। और भाई जितने जो गोरक्षक हैं, मैं तो ज्यादातर जी न जानू, जो सेवा करते देखे गोरक्षा दल हरियाणा, वे मेहनती हैं। उनमें वो आचार्य जी का क्या नाम हो बाल रखा लंबे है, लंबे है बाल रखा आचार्य जी। मैं आपका तो सच्चाई बताऊं, मैं फैन भी हूं, 2-4 बार आपका आशीर्वाद लेने का मौका मिला है। मैं पूरे नाम तो सबके जानता नहीं, लेकिन आचार्य जी मन आपकी टीम के बारे में, आपके बारे में, आपसे मेरी मुलाकात और बात तो होनी ली, लंबे टाइम से कोई भी बात नहीं गई। आप जो वैसे साथियों सेवा करने वाले, परेशान ना हो भाई, मैं आप लोगों से जो गो सेवक है हकीकत के, आप लोगों से फिर भी क्षमा चाहता हूं अगर आपने न्यू लगा कि मेरे मुंह में को गलत शब्द लिख रहा है। और बाकी ये जो गो भक्षक हैं, इनके बारे में जरूर कहूंगा मैं और कहता रहूंगा। ये इनकी जन्म कुंडली, और 2 दिन बाद फिर खोल लूंगा, फिर ऐसी रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, फिर शर्म के रह जाएगी। इसकी वीडियो भी, इसकी रिकॉर्डिंग भी पहले न्यू देखूंगा कि वो करेगा कि अपने बचाव में कहेगा कि ये रिकॉर्डिंग जी ना चाहिए, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दियो। इसके ये जो इसका ड्राइवर साहब है, न्यूका है, हम तो न्यूआ खा करा, मारा को नेता मंत्री के बिगाड़ लेगा, मारा कौन पूछ पाड़ लेगा। इनकी पूछना पाटा भाई, क्योंकि इनकी पूछ सरकार के हाथ में है, या सच्चाई है। बाकी मैं भी शंकी हूँ, पागल हूँ, पाड़ के छोड़ दूंगा। धन्यवाद आप सबका, आप लोगों ने इतना टाइम, इतना प्यार प्रेम दिया। जल्दी फिर मिलते हैं, राम राम, जय हिंद, भाईचारा बनाए राखियो। इन कुतड़िया के कहे थे भाईचारे में दरार नहीं आनी चाहिए, हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, हम सब भाई थे, भाई हैं, भाई रहेंगे। राजनीति कराने गई अपनी ऐसी की तैसी। जल्दी मिलते हैं, जब भी मौका देंगे नू मेवात में बढ़ने का, उसी टाइम आपका भाई वहीं आकर आपके लिए बाय फैला कर यात्रा भी निकाल के दिखाऊंगा, जय श्री राम भी बोल के दिखाऊंगा, इनके जितने पाखंड है सारे करके दिखाऊंगा। और वही मुस्लिम भाई वहां सिक्योरिटी देंगे, साथ देंगे, वही मुस्लिम भाई उन्हीं हथों को बंद करवाने का काम करेंगे। आप सभी का धन्यवाद।